प्रश्न नंबर चौथा है, प्रश्नावली जो है 11.2 का, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण वाई बराबर 30 डिग्री, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कोण वाई बराबर जो है वो 30 डिग्री है, कोण जेड बराबर 90 डिग्री और तीनों भुजाओं का जोड़ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जितना जोड़ दिया गया है तीनों भुजाओं का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर, तो हमने उतना 11 सेंटीमीटर लंबाई की ये पी क्यू रेखा खींच दी। अब जो वाई बिंदु पर कोण है 30 डिग्री, तो हम यहां पर पी बिंदु पर 30 डिग्री की रचना करेंगे। पी बिंदु पर हम प्रकार की सहायता से 30 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से अर्धवृत्त बना देते हैं, अब यहां से पहला चाप जो होता है वो 60 डिग्री का कोण होता है, इसके लिए हम इसका समद्विभाजक बना देंगे तो 30 डिग्री का कोण मिलेगा हमको। y बिंदु पर जो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का, वो हम यहीं पर P से रचना करेंगे 30 डिग्री के कोण की। तो P बिंदु से हमने 30 डिग्री के कोण की रचना के लिए पहले 60 डिग्री का चाप लगाया, फिर उसका समद्विभाजक बनाया, तो P जो है उसको इससे जोड़ देंगे, यह बन गया 30 डिग्री का कोण। अब जो Z है वहां पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है, हम प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे Q बिंदु पर। नब्बे डिग्री के कोण की रचना के लिए यहां से हम पहला चाप लगाएंगे, उसके बाद में हम दूसरा चाप जो है वो 120 डिग्री का होता है, पहला 60 डिग्री का, 60 और 120 का समद्विभाजक जो है वो कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण हमने इस तरह से 60 और 120 के समद्विभाजक को बना के और बनाया है। अब इसको हम Q से जोड़ देंगे, Z बिंदु पर हमको 90 डिग्री के कोण की रचना करनी थी, वो हमने Q बिंदु पर जो अंतिम बिंदु है 11 सेंटीमीटर का, एक तरफ 90 डिग्री का कोण और इस P बिंदु पर हमने 30 डिग्री का कोण उसकी रचना की। अब यहाँ जो 90 डिग्री का कोण है उसका समद्विभाजक बना देंगे और यहाँ जो 30 डिग्री का कोण है उसका भी हम समद्विभाजक बना देंगे। इस बिंदु से हमने एक चाप लगाया और 90 डिग्री का कोण जहां बन रहा है वहां से रखते हुए पहले वाले चाप को काटता हुआ हमने दूसरा चाप भी बना दिया, तो इस तरह से 90 डिग्री का समद्विभाजक जो है वो 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब हमने 30 डिग्री के कोण के समद्विभाजक को बनाना है, हमने आधे से ज्यादा प्रकार खोल दिया है जो 30 डिग्री का है, वहां से अब एक बार जो है ये 30 डिग्री की जो किरण जा रही है, जो रेखा जा रही है वहां से रखते हुए प्रकार को पहले वाले चाप को काटता हुआ दूसरा चाप बनाना है। प्रकार का माप सेम रखेंगे, जितना यहां पर रख के चाप लगाया था उतना ही यहां पर दूसरी जगह पर रखकर ही चाप लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री के कोण के समद्विभाजक को बनाया। तीस डिग्री का कोण जो है उसका समद्विभाजक बना दिया। अब 90 डिग्री का जो समद्विभाजक है 45 डिग्री और 30 डिग्री का जो समद्विभाजक है 15 डिग्री, ये दोनों समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वहां हमारा ऊपर शीर्ष होगा x,
जो त्रिभुज एक्स वाई जेड की हम रचना करने वाले हैं उसमें एक्स जो शीर्ष है ऊपर वो यहां बनेगा, दोनों समद्विभाजक जहां कट करते हैं। अब ये जो है रेखा पी एक्स उसका समद्विभाजक बनाएंगे और ये एक्स क्यू जो है उसका समद्विभाजक बनाएंगे। रचना थोड़ी कठिन है तो आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। समद्विभाजक अर्थात एक बार पी पर रखते हुए और इसके आधे से ज्यादा खोल करके हमने प्रकार उसका चाप लगा लिया है और एक बार एक्स पर रखते हुए उस चाप को काटता हुआ दूसरा चाप लगाएंगे। ये दोनों जहां कट कर रहे हैं उसको हमने जोड़ दिया और यहां जहां ये आधार वाली लाइन को कट कर रहा है उसको हम नाम देंगे Y। जो हमारा त्रिभुज बन रहा है उसका दूसरा शीर्ष बिंदु यहां आएगा, ठीक है। अब XQ जो है रेखा उसका भी लंब समद्विभाजक बनाएंगे तो लंब समद्विभाजक के लिए हम XQ के आधे से ज्यादा खोल लेते हैं प्रकार, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ चाप लगाते हैं। अब X बिंदु पर जो है रखते हुए प्रकार पहले वाले चाप को काटता हुआ हमने दूसरा चाप लगाया है। दोनों चाप जहां कट कर रहे हैं एक बार यहां पर और एक बार इधर, तो यह समद्विभाजक है एक्स क्यू का जो आधार रेखा है उसको जिस बिंदु पर कट कट ये रेखा उसको हम जेड नाम देंगे। ये त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा। त्रिभुज का पहला शीर्ष एक्स है, अब हम एक्स को वाई से जोड़ देंगे और एक्स को जेड से जोड़ देंगे। एक्स वाई जेड अभीष्ट त्रिभुज है। अगर आपको माप करके देखना है तो आप चांदे की सहायता से माप करके देख सकते हैं कि यहाँ 30 डिग्री का कोण होगा और Z बिंदु पर 90 डिग्री का कोण होगा और तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो 11 सेंटीमीटर होगा। हम XY रेखा को जोड़ माप करके देखते हैं, 4.5 है, 4.5 और यहाँ जो है 4 है और यहाँ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो 4 और 4 8, 8 और 3 11 सेंटीमीटर, इन तीनों का जोड़ बनता है। यह एक्स वाई जेड अभीष्ट त्रिभुज है। मैं एक बार फिर से रचना को समझा देती हूँ, थोड़ा कठिन है। हमको प्रश्न में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तीनों भुजाओं का जोड़ 11 सेंटीमीटर है। तो रचना के चरण हम किस तरह से लिखेंगे, वो रचना जो है हमारे को दिया हुआ है 11.6। 11.6 जो रचना है उसमें जैसे जैसे चरण लिखे हुए हैं वैसे वैसे हम चरण लिख देंगे। चरण वहां से देख के लिखेंगे, मैं एक बार यहां आपको बताती भी जाऊंगी और एक बार फिर से हो जाएगा तो रचना के चरण भी हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम पी क्यू बरोबर 11 सेंटीमीटर एक रेखाखंड की रचना करेंगे। इसके पी बिंदु पर 30 डिग्री के कोण की रचना की प्रकार और स्केल की सहायता से। अब P बिंदु जो है उस पर 30 डिग्री के कोण का समद्विभाजक बनाएंगे। Q बिंदु पर हम प्रकार और स्केल की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं और उसका समद्विभाजक 45 डिग्री का कोण हम बनाते हैं। दोनों समद्विभाजक जहां कट करते हैं उसको हम X नाम देते हैं। अब हमको ये पी एक्स रेखाखंड का लंब समद्विभाजक बनाना है तो आधे से ज्यादा चाप खोल करके एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ चाप लगाया, दोबारा हमने एक्स से पहले वाले चाप को काटता हुआ दूसरा चाप लगाया। आपको अगर यहाँ कुछ नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं। ए बी बिंदु पर दोनों चाप काटते हैं उनको हमने जोड़ दिया। पी क्यू रेखा को जिस बिंदु पर ये काट रहे हैं उसको हमने वाई नाम दिया। अब जो
एक्स क्यू रेखाखंड है उसका भी हमने लंब समद्विभाजक बनाया। तो ये दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं आधे से ज्यादा खोलकर प्रकार और हमने दोनों तरफ चाप लगाकर लंब समद्विभाजक बनाया है। दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं उसको हम नाम सी और डी देते हैं। यह सी डी रेखाखंड आधार रेखा बी क्यू को जिस बिंदु पर कट करता है उसको हमने जेड नाम दे दिया। अब x को y से मिलाया, x को z से मिलाया, इस तरह से x, y, z अभीष्ट त्रिभुज है जिसका y कोण 30 डिग्री, z कोण 90 डिग्री और तीनों भुजाओं का जोड़ 11 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से रचना के चरण लिख देंगे। इस प्रश्नावली में हम इतना ही करते हैं, आगे हम शुरू करेंगे 8वां पाठ। ठीक है, थैंक यू।